हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब काफी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं हैवी ऑयलिंग मसाज कर दिखाऊं आपको, तो आज की वीडियो इसी बारे में है। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने बोला था कि मैं हैवी कोकोनट ऑयलिंग मसाज कर दिखाऊं। तो यहाँ पर मेरे हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं पैराशूट कोकोनट ऑयल है। ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। तो सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। पैकेजिंग काफी अच्छी होती है इसकी, आप जानते ही हैं। आई एम श्योर आपने भी इसे यूज किया होगा, और किया है तो बताइएगा, नहीं किया तो भी बताइएगा। तो इतनी इसमें क्वांटिटी है, ये देखिए। तो इसे मैं अपने बालों में मसाज करूंगी। सबसे पहले मैं इसे माइक्रोवेव कर लूंगी, थोड़ा सा पिघला लूंगी, इस घी को गर्म करूंगी, उसके बाद मैं अपने बालों में मसाज करूंगी। और ये बॉटल आपकी 2 महीने आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं, जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो काफी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। और इसे आप इस तरीके से भी ओपन करके ले सकते हैं, ये देखिए, ये लिड दी हुई है इसके ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लिया है, बालों को सुलझा लिया है। और अब मैं अपने बालों में ये ऑयल अप्लाई करूंगी। और ये आप देख सकते हैं, ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। और इस तरीके से ये जम जाता है सर्दियों में। और मैं इसे थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेती हूँ, पिघला कर मैं इसे फिर अपने बालों में लगाती हूँ। थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो ईजी रहेगा मेरे लिए भी अप्लाई करना। सो ये देखिए, ओ ये थोड़ा सा नीचे भी गिर गया था और मैंने इसे पिघला लिया है। अब मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। पहले मैं थोड़ा थोड़ा लेकर अपने बालों में अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं ज़्यादा अप्लाई करूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर गाइज इसलिए ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेरे बालों में लग जाए, अच्छे से स्कैल्प में लग जाए और सारे मतलब बालों में अच्छे से लग जाए, सारी सिर में मेरे अच्छे से लग जाए। तो इस तरह से आपने मसाज करते हुए लगाना है ऑयल को। और मैं फिंगर टिप की हेल्प से मसाज कर रही हूँ, आपने नाखूनों से नहीं मसाज करनी होती है, आपने जो फिंगर टिप्स होती है उनकी हेल्प से मसाज करनी होती है। और बालों में इस तरीके से मसाज करने से हमारे जो सिर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है, और जिससे बालों की ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। और बालों में बहुत अच्छी चमक भी आती है। आपको हमेशा बाल वॉश करने से पहले अपने बालों में ऑयल को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जो भी ऑयल आपको सूट करता हो वही आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ तो आप भी वो यूज़ करें, जो भी आपको बेटर लगता हो, जो भी आपके बालों के टेक्स्चर के अकॉर्डिंगली आपको सूट करता हो उसके अकॉर्डिंगली आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से मसाज कर रही हूँ। और अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है ना, तो गाइस इस तरीके से मसाज करने से सिर के दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है। और वैसे फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो की रिक्वेस्ट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, इसलिए मैं आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर पेश हुई हूँ आज। तो अभी तक इन बालों में नहीं लगाया ऑयल, ये आप देख सकते हैं। और गाइज इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं एंड में आपको कुछ हेयर स्टाइल भी बताऊँगी। तो इसे मतलब लगाने के बाद आप किस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हैं, मैंने क्या क्या हेयर स्टाइल किए हैं वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी एंड में। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ गाइस, मैंने अपने चैनल पे और बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेस पैक्स, फेशियल्स और प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हुए हैं और हेल्दी टिप्स भी शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे मेरी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस ये बिल्कुल फ्री है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। और हाँ गाइस, मैं टिकटॉक पर भी एक्टिव हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे सभी सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। और देखिए इस तरीके से मैं बालों में मतलब पीछे की साइड भी ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, और ये कैसे ऑयल निकल रहा है आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से ये टपकना शुरू हो गया नीचे। तो थोड़े बहुत मेरे बाल भी टूटे थे वैसे, इससे 2-4 बाल भी टूटे थे, बहुत ज़्यादा नहीं टूटे थे बट हाँ थोड़े बहुत टूटते ही हैं जब आप इस तरीके से मसाज करते हैं तो। और इतने तो गाइस लाजमी है बाल टूटने वैसे। तो यहाँ पर गाइस कोई आ गया था हमारे घर, तो वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो मैं इस रूम में आ गई थी, दूसरे रूम में आकर मैं मसाज कर रही हूँ और इस तरीके से मैं इसे पोर कर रही हूँ अपने बालों में ऑयल को। सो गाइस आप ये देख सकते हैं इस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ अपने नीचे के बालों में भी जो थोड़े बहुत रह गए थे। ये देखिए सारे हाथों में अच्छे से तेल लग गया था, और जो एंड में ये जो तेल रह गया था ना गाइस, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पिघलाया नहीं था और नीचे का थोड़ा सा रह गया था जमा हुआ, तो मैं उसे भी निकाल रही हूँ, मैंने ये कंटेनर में से निकाल लिया है। और इस तरीके से हथेली पर जब उसे रगड़ते हैं वो आपस में तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, आपको मालूम ही होगा। तो ये देखिए थोड़ा सा रह गया, मैं इसे लगा लूँगी इस तरीके से।
तो ये देखिए फ्रेंड्स कि सारा ऑयल खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा अंदर जो रह गया, लिटिल बिट रह गया, ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है, तो अब ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है और जितना भी ऑयल था मैंने अपने सारे बालों में लगा लिया अच्छे से। तो ये देखिए, और ठंड है ना गाइस, तो इसलिए साथ साथ जमता जा रहा था ये, जैसे मैं बालों में अप्लाई कर रही थी ना तो थोड़ा जमता भी जा रहा था ये बालों में, और इसकी वजह से मेरे बाल भी काफ़ी हैवी हो गए थे, तो कॉम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर आई है, और इसीलिए मैं ये मोटी कंघी की तरफ से कर रही हूँ कॉम, और काफ़ी हैवी हो गए थे मेरे बाल। तो देखिए पहले मैं बालों को सुलझा लूँगी और फिर यहाँ पर मैं ये गुत बना रही हूँ, मतलब चोटी बना रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट जो हेयर स्टाइल है आप देख सकते हैं मैंने चोटी बना ली है, और मैंने ये साइड ब्रेड बनाई है। अब सेकंड हेयर स्टाइल बता देती हूँ मैं आपको, सेकंड मैंने यहाँ पर बन बनाया था क्योंकि आप इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ पर आपको हैवी ऑयलिंग के बाद मतलब अपने बालों का बन बना कर दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर मैं बन बना रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से पौनी भी बना सकते हैं, सबसे पहले मैं पौनी बना रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर बन बनाऊँगी, आपको जो भी बेटर लगता होगा गाइस वो आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और हाँ मैं अपने बालों को एंड में वॉश कर भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है बालों का और कैसा रिजल्ट आया है इतनी ज़्यादा ऑयलिंग करने के बाद, तो वो भी एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। तो थर्ड जो हेयर स्टाइल है गाइस वो ये है कि मैं यहाँ पर बन बना रही हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बन भी बना लिया है। और गाइस मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ यार, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शुरू कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाए आपके शेयर करने से, आपके कमेंट करके बताने से कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गाइस आपके कमेंट्स पढ़कर, दिल वाकई बहुत खुश हो जाता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़कर। तो चलिए मैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं नीचे की तरफ मतलब एक बन बना रही हूँ, स्लीक बन बना रही हूँ, तो ये बन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये देखिए काफ़ी अच्छा बना था वैसे, ये मुझे ये हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर मुझे। सो गाइस चलिए मैं अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ और अब आपको फिर थोड़ी देर में रिजल्ट दिखाती हूँ, तो चलिए मैं अपने बालों को वॉश कर कराती हूँ। सो गाइस ये है मेरा रिजल्ट हैवी ऑयलिंग के बाद, शैम्पू करने के बाद, तो आप देख सकते हैं बालों में कितनी अच्छी चमक आई है, बाल कितने शाइन कर रहे हैं। और गाइस हाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी कंडीशनर वगैरह नहीं अप्लाई किया है, तो सिर्फ शैम्पू किया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चमक आई है गाइस। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।